स्वागत है आपका प्रॉपट्रॉन के इस नए व्लॉग में और मैं हूं विश्व पुष्पा लेके आ रहा हूं प्रॉपट्रॉन के लिए एक नया व्लॉग। देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। वजह से मुझे एक्सेस मिली है, ही इज़ माई नेबर एंड उनके साथ मैं बहुत खेलता भी था, तो इसी वजह से वो पर्सनल रिलेशंस की वजह से ही मुझे एक्सेस मिल पाई। अदरवाइज कैमरे के साथ कोई एंट्री नहीं देना चाहता। तो आई इंट्रोड्यूस हिम एंड ही इज़ फ्रॉम रियल स्टेट। ही विल टॉक टू यू अबाउट व्हाट द प्रॉपर्टी इज़, क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या प्राइस ब्रैकेट है और कुछ इस लोकेशन और नेबरहुड के बारे में भी हम बात करेंगे। मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और 10 लोगों से और सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोज़ प्रॉपट्रॉन पर लेके आता रहता हूँ। तो नाउ लेट्स वेलकम द पर्सन ड्यू टू हूम आई एम एबल टू एंटर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के बारे में वही बताएंगे कि कहाँ है, क्या है। तो भैया वेलकम टू माई व्लॉग। और जितेंद्र भैया हैं जो हमारे नेबर भी हैं और जो रियल स्टेट में पिछले 15 सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सो ही विल बी एबल टू टेल यू गाइज बेटर अबाउट द प्रोजेक्ट, द प्रॉपर्टी, द नेबरहुड एंड क्या प्राइस रेंज है, किस तरीके की प्रॉपर्टी है। तो आइए उन्हीं से शुरू करते हैं और व्यू भी लेते हैं। तो भैया अभी जिस प्रॉपर्टी पर हम हैं, ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ये बेसिकली महागुन का एक लग्जीरियस प्रोजेक्ट है जिसका नाम है महागुन मेज़ेरिया। नोएडा के अंदर ये सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। अगर आप यहाँ पर आएंगे देखेंगे तो इस तरह का आर्किटेक्चर जिस तरह का बिल्डर ने डिज़ाइन किया है यू वॉन्ट फाइंड एनीवेयर। और क्योंकि मैं चाहता था कि एक लग्जरी प्रोजेक्ट को मैं कवर करूँ इस प्राइस पॉइंट पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो मैंने भैया से बात की और भैया ने कहा कि चलो तुम्हें लेके चलते एक अच्छी सी प्रॉपर्टी पे। तो भैया इसका टोटल एरिया कितना होगा इस पर्टिकुलर फ्लैट का? इस पर्टिकुलर फ्लैट का टोटल एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। 2500 स्क्वायर फीट में इन्होंने 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट रूम का एक साइज बनाया है और जो कि बहुत स्पेशियस, बहुत लग्जूरियस है, वो आप देख ही रहे होंगे पीछे। जिस तरह का लिविंग रूम इन्होंने डिजाइन किया है डबल हाइटेड, ये एक आर्किटेक्चर ही है जो दे पाता है, अदरवाइज यू वोंट फाइंड। मतलब इस तरह का अगर कोई बड़ा बिल्डर है और उसकी प्रोजेक्शन और एग्जीक्यूशन अच्छी है तो आपको सीलिंग कुछ इस तरीके से मिलती है, पिक्चरों में आपने देखा होगा। आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट आप एक घर में रहते हैं, कोठी में रहते हैं, उस तरह का एक आलीशान बंगले वाला जो फील है वो ये है। और एक और चीज़ बहुत अच्छी मैं आपको बताना चाहूँगा, इस विंडो के सामने से आपको इसी की प्रोजेक्ट की बाकी की बिल्डिंग्स और हाई राइज दिखेंगे और उसके जस्ट पीछे आपको मेट्रो स्टेशन, वो मेट्रो स्टेशन 76 मेट्रो स्टेशन है ये, विच इज़ ऑपरेशनल। और ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं काइंड ऑफ अ लाउंज सेटअप विद हाई सीलिंग। और ये हम आ गए हैं अब डाइनिंग रूम में। तो ये एक ऐसा डाइनिंग रूम है जिससे सारे के सारे रूम्स आपके कनेक्ट होते हैं, किचन डायरेक्ट कनेक्ट होता है, उसके अलावा आपको एक विंडो मिलती है जस्ट टू क्रिएट दैट एम्बियंस, जस्ट टू क्रिएट दैट फील गुड वाली, रिच वाली। भैया आगे वाले रूम्स देखते हैं कैसे है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं मार्केटेड वीडियोस ना बनाऊँ, अनबायस्ड बनाऊँ, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब आपको बताऊँ, इसीलिए मैं कभी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ वीडियोस नहीं बनाता हूँ क्योंकि वो फील नहीं आ पाती है। आई ऑलवेज ट्राई एंड ब्रिंग अलॉन्ग पीपल, इंडिपेंडेंट पीपल, जो सही को सही और गलत को गलत कह सकते हैं। तो ये भैया पहला एक तरीके से ये पहला एक रूम है जिसको हम एज ए गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं, विद अटैच्ड टॉयलेट, और इसके अंदर ये कबर्ड की स्पेस है यहाँ पर दी हुई है and with a very huge balcony with it. This is the second bedroom. So this is the second bedroom and this is the space you get for almira kind of a space. इसमें फ्लैट के अंदर हमें क्या क्या मिलता है अगर कोई परचेज करना चाहे तो? इस फ्लैट के अंदर जो मूवेबल आपको आइटम्स दिख रही हैं उसके अलावा सब कुछ मिलता है। लाइक सबसे स्पेशल चीज इसकी ये है कि इसमें वी आर वी सिस्टम, वी आर वी गिविंग, वी आर वी मतलब आप समझेंगे कि
हॉट एंड कूल एसी का प्रोविजन और बालकनी यहाँ पे भी है, तो आपको किचन में बालकनी मिलेगी, ड्राइंग रूम में बालकनी मिली, और अब हम दूसरे उसमें आ गए रूम में, इसमें भी आपको बालकनी मिल रही है। इसके अलावा अब हम चलेंगे तीसरे रूम में, तो ये शायद सबसे बड़ा रूम है, मास्टर बेडरूम। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम, और ये है मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम ये कवर्ड विच इज ह्यूज इनफ टू अकोमोडेट, और क्या अच्छा इंटीरियर किया हुआ है। एंड अगेन देयर इज अ बालकनी टू सूट योर मूड, टू गिव यू दैट फील कि आप एक बंगलो में, हर जगह इट्स वेरी एयरी एंड स्पेशियस। The only downside I feel is कि वॉशरूम में जाते हुए मुझे वो कमरों वाली फील वॉशरूम में थोड़ी सी कम लगी। मे बी बिकॉज दिस इज द किचन, और किचन से आपको लगभग एंट्री एग्जिट सब दिखता है, एंड देन अगेन यू गेट द एक्सेस टूवर्ड्स द बैल्कनी जो डाइनिंग रूम और कह लीजिए किचन की मिक्स है। तो किचन में भी यार क्या क्या ये सब ऑन्स महागुन इज गिविंग विद द फ्लैट, गुड इनफ फॉर द बक दे आर चार्जिंग आई बिलीव। This is the least they can do, but overall interior wise, construction quality wise, I believe it is a really good product for the price range again. Or so now we'll check the balcony. So noise बहुत आएगी क्योंकि थोड़ा outdoor में आ जाते हैं, and I sort of don't prefer to come out those. क्योंकि शोर बहुत होता है, बट लुक एट द साइज ऑफ द बैल्कनी, क्या बैल्कनी है और क्या व्यू है पीछे का। सबसे बड़ी बात है कि मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन के पीछे आपको पूरा का पूरा नोएडा, जो सेंट्रल नोएडा है, वो पूरा दिखेगा। सो अब हम दोनों भाई बैठ गए हैं और बात करेंगे नेबरहुड की, क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ कि लोकेलिटी, नेबरहुड एंड देन द प्रोजेक्ट। तो भैया बताएंगे कि हम अभी 78 में हैं, हार्ट ऑफ नोएडा अगेन, 18 से ये पूरा एरिया डेवलप होते होते इतना रेजिडेंशियल हब बन चुका है कि This has become one of the most, the biggest CBD available right now. भैया 78 में क्या क्या social infrastructure है आपने? Sector 78 जो है वो already develop हो चुका है यहाँ पर, mostly जितने projects आने थे वो आ चुके हैं। एक और जो बड़ी चीज़ जो भैया ने मुझे पहले बताई थी, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जिस जगह ये project है, ये जो पीछे से रोड आ रही है, ये नोएडा एक्सटेंशन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। हाँ बिल्कुल। तो और इधर तो मेट्रो है ही, और सामने से आप पूरा का पूरा नोएडा एक्सप्रेसवे, इसके बिल्कुल बैक साइड में आपको नोएडा एक्सप्रेसवे की पूरी एक वो मिलती है, कनेक्टिविटी मिलती है, मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलती है। अब तो बजट क्या है इस प्रोजेक्ट का? इस प्रोजेक्ट की जो स्टार्टिंग होती है, वो स्टार्टिंग होती है 1.75 CR से, क्योंकि 2500 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट है जिसके अंदर बिल्डर आपको VRV सिस्टम दे रहा है, लग्जरी सारी चीज़ें दे रहा है। इसमें ये बेयर एंड मिनिमम साइजेज हैं, जहाँ पे 2500 स्क्वायर फीट से शुरू होता है एंड इट्स गो अप टू 42,000 स्क्वायर फीट तक। तो एंड अगेन लग्जरी और एक्सक्लूसिव इसलिए भी है कि जब हम एंटर कर रहे थे तो भैया ने मुझे बताया कि इस फ्लोर प्लेट पे, इस पर्टिकुलर जो हम टावर पे हैं, सिर्फ 5 फ्लैट है, चार फ्लैट है और 7 लिफ्ट है, 5 लिफ्ट है, 5 लिफ्ट और 4 फ्लैट्स है। तो वेटिंग ना करनी पड़े आप लोगों को, इस वजह से है। तो अगर हम बात करें कि जो शुरुआत आपने हमें बताई, उसमें आपकी स्टार्टिंग 2500 स्क्वायर फीट है, तो स्टार्टिंग 2500 स्क्वायर फीट है एंड इट गोस अप टू 4400 स्क्वायर फीट। पेंट हाउस? नॉट पेंट हाउस, नॉर्मल फ्लैट इज। अच्छा, नॉर्मल फ्लैट इज 4400 स्क्वायर फीट। कितने रूम्स उसमें होंगे? उसमें 5 बेडरूम अपार्टमेंट है वो। 5 बेडरूम, तो लगभग 4 बेडरूम 5 बेडरूम अपार्टमेंट, मतलब साइज के हिसाब से भी एक लग्जरी है, बजट के हिसाब से भी लग्जरी है, और जो बिल्डर आपको दे रहा है वो भी एक लग्जरी है। एंड हर मार्केट में, माइक्रो मार्केट में कंपैरेबल्स होते हैं, बट आई'd लाइक टू से दैट दिस प्रोजेक्ट इज रियली वेरी नाइस। और जो मुझे कमी दिखाई दी, मैंने आपको बताया कि थोड़ा एंट्री के पॉइंट पे, जब आप जैसे हम जहाँ यहाँ बैठे हैं वहाँ सीलिंग बहुत ऊपर है, द मोमेंट यू एंटर तो सीलिंग बहुत ऊपर नहीं है, तो वो एक छोटा सा एक पॉइंट है। उसके अलावा वॉशरूम, बिकॉज नोबडी वाज यूजिंग देम, तो माइट बी वॉशरूम्स उतने क्लीन नहीं थे, बट थोड़ा लाइट और अच्छी कर सकते हैं, थोड़ा लाइट अप कर सकते हैं वॉशरूम्स को। और उसके अलावा मुझे कोई कमी इसमें दिखती नहीं है। जिन लोगों के लिए प्रोजेक्ट है, उन लोगों को भी शायद ही इसमें कोई कमी दिखाई दे। सो लग्जरी लाइफस्टाइल है। भैया कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को समराइज करने के लिए? ये प्रोजेक्ट को अगर समराइज करेंगे तो, अगर कोई लग्जरी, जिसके पास पैसा है, अगर वो लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, तो वो इस प्रोजेक्ट को ज़रूर विजिट करे और आके वो देखे एक बार, और आई होप कि वो उनको ज़रूर पसंद आएगा ये प्रोजेक्ट। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट या किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट्स कर सकते हो और हम रिप्लाई करते हैं, एंड तुरंत आपको आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर मिलेगा।
तो आगे आने वाले टाइम पे और अच्छी अच्छी वीडियोस में लेके आऊँगा. चैनल को ग्रो करवाइए, बड़ा करिए, ऐसी और वीडियोस लेके आऊँगा. आप सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा डिसीजन मेकिंग की, और मैं चाहता हूँ कि PropTron की वजह से ही आपका नेक्स्ट घर बने. तो इसी के साथ टेक केयर, बाय, और जो भी कहना हो कैसे.